राजधानी भोपाल के बुधवार स्थित काजी विजुदुल हुसैनी पार्क में वरिष्ठ समाजसेवी अब्दुल सलीम के मुख्य आतिथ्य में माँ शिक्षा स्वास्थ्य एवं समान कल्याण समिति और भारत बाल निकेतन के छात्रों ने पौधरोपण कर जागरूकता रैली निकाली। इस मौके पर बच्चों को पौधे भी वितरित किए गए। इस मौके पर MS जाफरी, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद शावर, राजा मियाँ, मनकेश सहित स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज ये पेड़ लगाने का जो प्रोग्राम किया है, इसलिए किया गया है कि आज जंगल धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, मानसून टाइम पे आ नहीं रहा है, जिसके पीछे आज पूरी परेशानी हो रही है पूरे प्रदेश में, क्या पूरे हिंदुस्तान में, जिसकी खातिर आज सूखा पड़ा हुआ है। कई जगह तो ऐसी है जहाँ पर आज हरा भरा पड़ा है, वहाँ पर बाढ़ों का बुरा हाल है। और आज हमारे भोपाल के अंदर दुआएं मंदिरों में जहाँ जहाँ जा जा के मांग मांग के परेशान है, उसके बाद ऊपर वाला सुना है जिसकी खातिर जो बारिश हुई रात को, पहली बार ऐसी बारिश हुई है जिससे लगा कि बारिश हुई है। और मैं चाहता हूँ कि पेड़ पौधे हर घर के अंदर लगना चाहिए, और आज सारे स्कूल के बच्चों से ही पेड़ पौधे लगवाए गए हैं हमने, और सबको एक एक पेड़ पौधा दिया गया है कि अपने अपने घर में लगा के पेड़ों की हिफाजत, आप अपन से ज़्यादा पेड़ों की हिफाजत करें। भोपाल से EMS TV के लिए डैनी खान की रिपोर्ट।